मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या हिंदू लड़के मर गए क्या? आप आज मुस्लिम से शादी कर रहे हैं? दो चार दिन बात किया, प्यार किया और कुछ दिन प्यार हो गया और आप उस मुस्लिम से लव करके आप उसके साथ में भाग जाते हो, अपने घर को से त्याग देते हो, अपने माता पिता को त्याग देते हो। सावधान हो जाओ मेरी बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आप मुस्लिम से प्यार करके वो कुछ दिन के, चार दिन के प्यार करके अपने घर को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके उसके घर में जाकर के आप वहां रहोगी? चार दिन के प्यार में 20 साल के माता पिता के प्यार को कैसे भूल सकते हैं? धिक्कार है ऐसी बहनों के ऊपर। आज मैं आपसे बस निवेदन कर सकती हूँ, माता पिता जो हमें की जन्म देते हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हर एक छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, पालन करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हम पढ़कर के कुछ ज़्यादा बन जाते हैं। तो ऐसों से प्यार करके चार दिन बात किया, उसकी चिकनी चुपड़ी बात पर आ गए और अपने माता पिता को त्याग करके, अपने माता पिता को रुला करके मुस्लिम से शादी करते हैं, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा बोलने में भी शर्म आता है, लेकिन क्या करें, आज के स्थिति को देख करके बोलना पड़ता है। आज न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़ देखने को मिलता है, टीवी में भी ये न्यूज़ सुनने को मिलता है, देख करके बहुत दिल दुख जाता है, लेकिन मजबूरी है, बोलना पड़ता है। हमारे हिंदू परंपरा में नारियां 16 श्रृंगार करती है, माताएं सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होती है। आप हिंदू के साथ में शादी करोगी तो जीवन में एक सम्मान आपको मिलेगा। हमारे हिंदू परंपरा में, हमारे सनातन संस्कृति में आप शास्त्र को एक बार अध्ययन करें, शास्त्र श्रवण करें, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे सनातनी संस्कृति में नारी को देवी के रूप में देखा जाता है और पूजा जाता है, हर स्त्री के नाम से पहले देवी लगाया जाता है और देवी लगाने के साथ में वो सम्मान हम नारियों को प्राप्त होता है, ये हमारे हिंदू धर्म की महानता है। लेकिन आप मुस्लिम से शादी कर रही हो, अपने धर्म को त्याग करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं, मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, आपके चेहरा, सुंदर चेहरा सजाते हो, आपके श्रृंगार देखने वाला कोई नहीं है, आपके चेहरा को काले वस्त्र के अंदर ढक दिया जाएगा और जिंदगी भर उस बुरके के अंदर आपको रहना पड़ता है। इसलिए सुधर जाइए, समय आपके पास है। मैं आपसे निवेदन कर सकती हूँ, आप अगर सुन रहे हैं तो इस बात को जरूर अपने जीवन में धारण करें। आपसे निवेदन करती हूँ, ये गलती अपने जीवन में कभी ना करें। शादी से पहले तो वो आपको फंसाने के लिए आपके साथ में बहुत प्यार भरी बातें, बहुत सुंदर सुंदर बातें करेंगे, लेकिन जैसे विवाह हुआ, आप अपने धर्म को छोड़ करके चले गए, अपने माता पिता को रुला करके चले गए और जाने के बाद आपको दो चार दिन अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद धर्म को परिवर्तन करने के लिए बोला जाता है। आप क्या कर सकती हैं उस समय? आप अपने माता पिता के पास आ भी नहीं सकती, क्योंकि एक बार अपने परिवार को रुला करके आप जा चुके हैं और जाने के बाद कोई ऑप्शन नहीं, धर्म को बदल लोगी और उसके बाद आपको अपने जीवन में कभी भी मांस मछली को छुआ नहीं होगा, लेकिन वहां जाने के बाद मांस बनाओगी, मछली बनाओगी, नरक से भी बदतर जीवन जीने को आपको मिल रहा है और आपके पूरे जीवन नरक जैसा, नरक से भी ज्यादा बदतर जीवन आप जीने के लिए मजबूर हो जाओगी।